खूबसूरत महिलाओं की बात आती है तो हमें नाइजीरिया की याद आ ही जाती है, पर क्या आप जानते हैं आज भी इस देश में 1000 में से 158 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। और क्या आप जानते हैं कि इस देश में 100 नहीं, 200 नहीं, बल्कि 500 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। जी हाँ, और ये है दुनिया के सबसे लोकप्रिय कंट्री में से एक। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके और चलते हैं नाइजीरिया। दोस्तों, इस देश का ऑफिशियल नाम है फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया। इस देश की कुल आबादी है 20 करोड़ के आसपास। दोस्तों, नाइजीरिया युवाओं का देश है, इसलिए आज ये देश इतना आगे बढ़ रहा है। इसके पीछे यहाँ के युवाओं का बहुत बड़ा हाथ और साथ है। आप जानते हैं यहाँ के लोग की इस समय औसतन उम्र कितनी है? 18 साल। जी हाँ, सोचिए अगर यहाँ के यंगस्टर्स ने अपने काम में ध्यान लगा दिया और मेहनत से काम करने लगे तो आने वाले समय में ये देश कितनी तरक्की कर सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में बोली जाने वाली कुल भाषाओं में से 500 भाषाएं तो सिर्फ नाइजीरिया में ही बोली जाती है, जिसमें अधिकतर लोग अंग्रेजी बोलते हैं। यहाँ पर हर 10 से 20 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है। तभी तो यहाँ अगर किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो सबसे बेस्ट है आप इंग्लिश लैंग्वेज बोलिए। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि ये देश बहुत हिस्टोरिकल है। नाइजीरिया के मौजूद डिवोर्स ऑफ वेन दुनिया के सबसे पुराने निर्माण कार्यों में से एक है। और क्या आप जानते हैं इस देश का नाम आखिर नाइजीरिया कैसे पड़ा? चलिए मैं आपको बता दूं कि नाइजीरिया का नाम नाइजर नदी के नाम पर रखा गया है, जो पश्चिमी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। माना जाता है कि इस नदी को ध्यान में रखते हुए इस देश का नाम नाइजीरिया रखा गया है। दोस्तों, नाइजीरिया को नेचुरली ब्यूटीफुल का देश माना जाता है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हरियाली है। यहाँ पर अनेक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा जानवरों की दो सबसे दुर्लभ प्रजातियाँ ड्रिल मंकी और लोलैंड गोरिल्ला, आप जानते हैं, नाइजीरिया के अलावा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलते हैं। साथ ही और भी कई ऐसे पक्षी हैं और जानवर हैं जो आपको कहीं और नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसी देश में ही देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो सबसे पुराना पुल है वो भी नाइजीरिया देश में ही बनाया गया है। पुल का नाम है थर्ड मेनलेट ब्रिज। इसकी लंबाई लगभग 12 किलोमीटर की है। कहा जाता है कि कंस्ट्रक्शन के मामले में अफ्रीका के किसी भी देश से कई आगे है ये कंट्री। यहाँ आपको कई गगनचुंबी इमारतें भी नजर आ जाएंगी। क्या आप जानते हैं दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चे भी इसी देश में होते हैं। उसमें भी यहाँ एक शहर है जिसका नाम है एग्बो ओरा। यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चे होते हैं। इस शहर में औसतन 1000 बच्चों में से 158 बच्चे जुड़वा होते हैं। जैसे हमारे देश में बॉलीवुड है, अमेरिका में हॉलीवुड है, वैसे ही नाइजीरिया में नॉलीवुड है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी, सबसे ज्यादा फिल्में बनाने के मामले में यहाँ का नॉलीवुड दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे ऑफ कोर्स हमारा देश भारत है। नाइजीरिया में एक हफ्ते में 50 फिल्मों को रिलीज किया जाता है। यहाँ के लोगों के बीच में फिल्म मेकिंग और फिल्म को देखने का बड़ा शौक है। नाइजीरिया देश की कई सारी चीजों को दुनिया के बाकी देशों में भेजा जाता है। एक्सपोर्ट का काम इस देश में बहुत बड़े लेवल पर होता है। सबसे ज्यादा नाइजीरिया देश से एक्सपोर्ट अनाज का होता है। यहाँ के 70% लोग किसान हैं और खेती में ही अपना समय बिताते हैं। ऐसे में यहाँ पर अच्छे लेवल पर एग्रीकल्चर का काम किया जाता है। कहते हैं कि यहाँ के लोग सबसे ज्यादा चावल और बीन्स की खेती करते हैं। आज के दिन में इस देश से अनाज के साथ साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी एक सपोर्ट किया जाता है। यही वजह है कि इस देश ने बहुत डेवलपमेंट हासिल की है। दोस्तों, जहाँ धर्म की बात हो तो आपको बताना चाहूँगा, इस देश में दो धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा है। एक है क्रिश्चियनिटी और दूसरा इस्लाम। इन दोनों धर्मों को मिलाकर 98% आबादी कवर हो जाती है और बाकी 2% में अलग अलग धर्म के लोग आते हैं। नाइजीरिया के लोगों को बहुत ही मेहनती माना जाता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर काम करने वाले लोग ही कम है। यहाँ पर फैक्ट्रीज में, सरकारी संस्थान में जो लोग काम कर रहे हैं वो कम से कम 10-12 घंटे की ड्यूटी करते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर मैक्सिमम लोग अपने सपनों की दुनिया में जीते हैं। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आपकी किस्मत में कुछ लिखा है ना, तो आपसे उसे कोई छीन नहीं सकता है। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, किस्मत को चमकाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत नहीं करेंगे तो किस्मत भी कैसे साथ देगी।